एबीसीडी इज ए क्वारल शोन अब एंगल डी ए बी एंड डीसीवन टू यू वन ट्वेंटी डिग्री एबीसी इज गिवन टू यू हंड्रेड एंड फाइव ठीक है इसको मैं इस तरीके से जूम करके आपको दिखाता हूँ ठीक है वट ऑल थिंग्स आर गिवन टू यू एंड वट यू हैव टू कैलकुलेट ठीक है तो इस क्वार्रीलेटल इस में एबीसीडी में एंगल डी ए बी ठीक है एंगल्स आपको समझ में आने चाहिए एंगल डी ए बी किस तरीके से लेते हैं हम सपोज कोई भी ट्राइंगल है और अगर ये ए बी सी तीन वर्टेक्स हैं ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा यह वाला एंगल ठीक है जो बीच का होता है याद रखना इसी को हम लिख सकते हैं एंगल सी बी ए बी एक ही बात है ठीक है आप सेंटर वाले वर्टेक्स को सेंटर वाले वर्टेक्स को देखिए ठीक है, ओके तो उसी तरीके से डी ए बी डी ए एंगल है कितना दिया डी वन ट्वेंटी डिग्री वन ट्वेंटी डिग्री उसी तरीके से डी सी एक्स डी सी एक्स ऊपर वाला ये भी कितना दिया है वन ट्वेंटी डिग्री ऊपर वाला ठीक है और ए बी सी दिया है ए बी सी दिस एंगल इज गिवन टू यू हंड्रेड एंड फाइव डिग्री वन जीरो फाइव डिग्री आपने क्या निकालना है ए डी सी आपने निकालना है ए डी सी यूज दिस यू हैव टू फाइंड इसको मैं एक्स लिख लेता हूं अगर अच्छा इफ दिस एंगल इज वन ट्वेंटी इफ दिस एंगल इज ट्वेंटी विल बी दिस एंगल वन एट्टी माइनस वन ट्वेंटी दिस विल बी सिक्सटी ना स्ट्रेट लाइन है ओके इफ दिस विल बी सिक्सटी देन ये चारों एंगल्स तो मिल गए मुझे क्वार्टर लेटर के और इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा आपको पता ही है एक्स प्लस सिक्सटी प्लस वन जीरो फाइव प्लस वन ट्वेंटी विल गोइंग टू गिव यू थ्री सिक्सटी डिग्री सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स भव्य राजपूत हाउ इट कैन बी फिफ्टीन डिग्री क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम इज थ्री सिक्सटी ठीक है बस इसको सॉल्व करना है सो दिस विल बी एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी वन सिक्सटी वन एटी ठीक है दिस विल बी टू एट्टी फाइव ठीक है दिस विल बी वन एट्टी एंड एक्स प्लस टू एट्टी फाइव इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी तो यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा एक्स विल बी इज इक्ल टू ओके थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस टू एट्टी फाइव so x will going to be 75 degree so this angle is 75 okay very easy